हेलो दोस्तों, मैं हूं एगॉक्स और मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आपका अगर जीपीयू डिटेक्ट नहीं हो रहा है सही से, ओपन जीएल में सही से नहीं दिखा रहा है, जैसे इंटेल एचडी या एएमडी का कोई ईपीयू दिखा रहा है और आपका डेडिकेटेड जीपीयू नहीं दिखा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन दो तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले जाएंगे 30 PC पे, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे जाएंगे, मैनेज डिवाइसेस में, उसमें डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और पहले यहाँ पर देख लेंगे कि आपका सही से आपका जीपीयू लगा हुआ है कि नहीं। आपका अगर नहीं लगा होगा तो शायद अदर डिवाइसेस में यहाँ पर कहीं दिखा रहा होगा क्वेश्चन मार्क के साथ, तो आप पहले ये चेक कर दीजिए। उसके बाद जाएंगे हम लोग गूगल में, तो सबसे पहले गूगल में जाएंगे और एनवीडिया ग्राफिक ड्राइवर डाउनलोड लिखेंगे और सबसे पहला वाला लिंक खोलेंगे, ये एनवीडिया डाउनलोड वाला पेज। काफ़ी लोग जी फोर्स ड्राइवर्स वाला पेज खोल रहे होंगे, जो नहीं खोलना है हमको ये वाला खोलना है, इसको दो बार खोलेंगे। जी फोर्स यहाँ पर आपका ग्राफिक फोर्स मतलब एनवीडी का जीपीयू होगा मोस्टली। यहाँ पर दो तरह के चीज़ है, एक तो डेस्कटॉप सीरीज़ वाला है 10 सीरीज़ जैसे कि, और ये 10 सीरीज़ नोटबुक आपका कोई भी हो सकता है अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका 800 का सीरीज़ है तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट एग्जैक्ट नेम होना चाहिए जो आपके पीसी पे या फिर नोटबुक के ऊपर लिखा होगा। जैसे कि मेरे को MX150 का आया था तो मैं यहाँ पर MX150 सिलेक्ट करूँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है 64 बिट 32 बिट 64 ही है वैसे, तो शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब आ जाएगा। तो इसको हम Windows 10 पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश इंडिया और सर्च करेंगे। जैसे कि मेरा जी फोर्स है लेकिन 1000 सीरीज़ वाला है 1080, इसको सर्च करूँगा। यहाँ पर देखने वाली ये चीज़ ये है कि आपका सपोर्टेड प्रोडक्ट मतलब जो जीपीयू मॉडल नंबर है वो यहाँ पर मैच होना चाहिए। जैसे कि MX150 है, यहाँ पर आपका कोई भी हो सकता है, आप प्रॉपरली सिलेक्ट करें और इंस्टॉल कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि 417 यही है मेरा भी, और ये देख सकते हैं कि ये भी 417 है लेकिन 1080 Ti यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्टेड में और यहाँ पर नहीं है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने तो सही वाला ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल किया है, लेकिन वो अनइंस्टॉल करें और सही से ये फिर से इंस्टॉल करें, आपका हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। मैंने जैसे कि पहले से डाउनलोड करके इंस्टॉल रखा हुआ है, तो अब हम चलते हैं एनवीडिया कंट्रोल पैनल में। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैनेज 3D सेटिंग्स में जाना है। आप मैन्युअली प्रोग्राम को भी ऐड कर सकते हैं और पूरा ग्लोबल सेटिंग्स भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि टेंशन, ये टेंशन गेमिंग बॉडी है मतलब कि कोई भी गेम हो सकता है, उसमें आप क्यूडा जीपीयू है उसको सिलेक्ट करें और यूज दिस जीपीयू, जो आपका डेडिकेटेड जीपीयू है वो सिलेक्ट करना है आपको। आपको शायद इंटेल एचडी का भी दिखा रहा होगा, मैंने तो इंटेल एचडी का मतलब अनइंस्टॉल कर दिया ग्राफिक ड्राइवर, तो मेरे को नहीं दिखा रहा होगा। इसको ओके करेंगे, मेरा तो ग्लोबल पे पहले से है इसलिए। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है ओपन जीएल रेंडरिंग जीपीयू, उसको भी GTX 1080 Ti मतलब आपका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो है उसके सिलेक्ट करेंगे, उसको ओके करेंगे, अप्लाई कर देंगे और अब आपका यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा ओपन जीएल। अब इसको मिनिमाइज करेंगे, अब फिर से एनवीडिया कंट्रोल पैनल में जाएंगे और वही चीज़ आप ग्लोबल सेटिंग्स में करेंगे। आप चाहे तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं ग्राफिक कार्ड अनइंस्टॉल करके और फिर से इंस्टॉल करके रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पूरा यूज़ कर सकता है। मैं अभी नहीं करा, मेरा तो वैसे भी डिफ़ॉल्ट पे ही है, तो आपको यही सेम चीज़ इधर यही करनी है। क्यूडा कोर्स ऑल जीपीयू, अपना डेडिकेटेड जीपीयू और ओपन जीएल रेंडरिंग जीपीयू वो है ये वाला, तो बस यही है, अप्लाई कीजिए या फिर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं आप इंटेल एच डी का अन इंस्टॉल करके, ये इसका एनवीडिया का फिर से इंस्टॉल करके आप अप्लाई कीजिए, रिस्टोर कीजिए, आपका हो जाएगा। Make him spicy, Papa.